चलिए और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो सबसे हॉट सीट है, या कहें कि देश की जो सबसे हॉट सीट है, वो सीट है वाराणसी, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी जीत को लेकर लगभग होंगे आश्वस्त होंगे, लेकिन मार्जिन कितना रहेगा यह देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस की तरफ से अजय राय चुनावी मैदान में और बसपा इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती हुई अतर जमाल लारी को चुनावी मैदान में उतारा गया। आपको ध्यान होगा इस सीट से अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, हार चुके हैं, और ये सीट अपने आप में हॉट। और प्रधानमंत्री मोदी अगर जीत की हैट्रिक सेंटर में प्रधानमंत्री के तौर पर लगाते हैं तो यकीनन यहां भी जीत की हैट्रिक लगती हुई नजर आएगी। और यहां एक और रोचक तथ्य ये कि अभी तक बीजेपी कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर बनने के बाद ये लोकसभा चुनाव हो रहा है तो जीत का मार्जिन कितना रहेगा, क्योंकि बीते चुनाव में प्रधानमंत्री लगभग 4,89,000 वोटों के अंतर से जीते थे और ये अंतर बहुत ज्यादा है और इस अंतर को बढ़ाना चाहेगी बीजेपी। बहरहाल दीपिका, वाराणसी लोकसभा सीट के बीते दो चुनाव में प्रधानमंत्री कितने मार्जिन से जीते हैं? बिल्कुल विजेंद्र, गजब की बात है ये, क्योंकि यहाँ पर 57 सीटों में से इकलौती ये सीट है जहां पर कितना गेन होगा इसको लेकर बात हो रही है। बहरहाल 2014-2019 का आंकड़ा हम जल्दी से बता देते हैं अपने दर्शकों को। 2014 में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है 56.48% वोट प्रतिशत उनका रहा था। अरविंद केजरीवाल मैदान में थे, यहां पर 20.34% वोट प्रतिशत इनका रहा था, करारी हार हुई थी। 19 की अगर बात करते हैं तो आप गेन देखिए कि कितना प्रधानमंत्री का हुआ, यहां पर 63.62% वोट प्रतिशत प्रधानमंत्री का दिखाई दिया। तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से शालिनी यादव को मैदान में उतारा गया और यहां पर करारी हार का सामना शालिनी यादव ने किया और 18.4% वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला। विजेंद्र, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंदौली लोकसभा सीट की। ये एक महत्वपूर्ण सीट क्योंकि बीजेपी यहां से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को चुनावी मैदान में उतार रही है और ये चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं है, वरिष्ठ चेहरा है, अनुभवी चेहरा है, कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। जबकि सपा यहां से वीरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारी और मुकाबले को जो त्रिकोणीय बना रही है वो सत्येंद्र कुमार मौर्य है जो बसपा के हाथी के निशान के साथ चुनावी मैदान में है। बहरहाल बीते दो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है दीपिका? बिल्कुल, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का आप जिक्र कर रहे थे, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष वो रहे हैं, कई अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन 2014-2019 का प्रदर्शन उनका किस तरीके से रहा वो जल्दी से हम बता देते हैं। साथ ही साथ प्रतिद्वंदी उनके जो रहे उनका कितना वोट प्रतिशत रहा। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे 2014 में प्रत्याशी थे, 42.23% यहां उनका वोट प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ बसपा की तरफ से अनिल कुमार मौर्य को मैदान में उतारा गया और यहां 26.25% बसपा के कैंडिडेट का वोट प्रतिशत रहा। और आप इसके साथ साथ देखेंगे 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 का जो प्रदर्शन है प्रत्याशियों का वो आप देखेंगे तो किस तरीके से रहा है, कौन जीता है, कौन हारा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को ही 2019 में प्रत्याशी बनाया गया था। अब 19 के प्रदर्शन पर हम नजर डालते हैं तो यहां पर आप देखिए हर बार विपक्ष ने कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की, लेकिन भेद नहीं पाए इस किले को। लेकिन इतना जरूर है कि टक्कर जरूर दी गई है। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से प्रत्याशी थे, गेन किया 47.07% वोट प्रतिशत रहा। आप देखेंगे कि कितना कम यहां पर मार्जिन आपको नजर आ रहा है। संजय सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, 45.79% वोट प्रतिशत इनको मिला था। और विजेंद्र यही वजह है इस बार समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि यहां पर हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, और अब बात करते हैं गोरखपुर की। ये लोकसभा सीट योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ती है। 2014 में योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद थे, जीत का मार्जिन जो रहा उसको यकीनन रवि किशन ने आगे बढ़ाया था और रवि किशन एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, जबकि सपा ने यहां से काजल निषाद को मैदान में उतारा। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनेताओं से पहले यह मुकाबला अभिनेताओं के बीच होगा। काजल निषाद अभिनेत्री हैं, रवि किशन अभिनेता रहे हैं और इस मुकाबले को जो त्रिकोणीय बना रहे हैं वो हैं जावेद सिमनानी। और यहां गोरख मठ का एक महत्वपूर्ण दबदबा रहता है और यह सीट सीधी योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। अब रवि किशन पिछले जीत के मार्जिन को बढ़ाते हैं या फिर सपा की काजल निषाद उस मार्जिन को कम करते हुए जीत की तरफ जाती हैं। बहरहाल बीते दो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है दीपिका?
बिल्कुल विजेंद्र, और यहाँ पर जो बाय इलेक्शन हुआ था समाजवादी पार्टी ने 2018 में सीट को जीत लिया था, लेकिन एक बार फिर से 2019 में बीजेपी ने इसे ले लिया इस सीट को। हालांकि 2014-2019 के प्रदर्शन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि खास बात यह भी है इस सीट की, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर निषाद प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। लेकिन 2014 में आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, 52.24% वोट प्रतिशत उनका यहाँ पर रहा था। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने राजमती निषाद को मैदान में उतारा था, 21.93% वोट प्रतिशत के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। अब 2019 को जल्दी से हम देख लेते हैं, यहां पर रवि किशन को मैदान में उतारा गया, 60.54% वोट प्रतिशत रहा, बंपर जीत मिली थी। और दूसरी तरफ यहां पर राम भुआल निषाद को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया और यहां हार का सामना करना पड़ा, 35.07% समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वोट प्रतिशत रहा। सिंहासन की जंग में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट की, जहां आप कह सकते हैं कि मुकाबला अपनों के बीच में, क्योंकि अपना दल से अनुप्रिया पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए के अंदर अपना दल आता है। सपा ने रमेश चंद बिंद को मैदान में उतारा गया, जो एक दौर में बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन सपा का दामन थामा और अब अपना दल की अनुप्रिया पटेल से मुकाबले के लिए मैदान में है। वहीं अगर बात करें बसपा, तो मनीष तिवारी को मैदान में उतारा गया और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दरअसल जो बीजेपी का कार्यकर्ता अपना दल को यहां लगातार सपोर्ट करता आया, क्योंकि अनुप्रिया पटेल 2014 में भी जीती, 2019 में भी जीती और फिर से वो गठबंधन के साथ मैदान में है। क्या रमेश चंद बिंद के सपा में जाने से बीजेपी के वोटर अनुप्रिया पटेल से इतर रमेश चंद बिंद के साथ आएंगे? दरअसल हार जीत यहां इसी पर तय होगी। बहरहाल बीते दो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है दीपिका? बिल्कुल 2014-2019 की हम बात कर लेते हैं, क्या वोटिंग परसेंटेज यहां पर देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले 2014 का ही जिक्र कर लेते हैं, और यहां पर जिस तरीके से आपने बताया भी, अपना दल एस की तरफ से अनुप्रिया पटेल मैदान में थी, 43.52% वोट प्रतिशत रहा था, जीत गई थी। बसपा की तरफ से समुद्र बिंद को मैदान में उतारा गया, 21.68% वोट प्रतिशत के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा। आगे हम बात 2019 की कर लेते हैं, तो 2019 में आप देखेंगे क्योंकि अनुप्रिया पटेल ही यहां से प्रत्याशी थी और अच्छा खासा प्रभाव पूर्वांचल की राजनीति में इनका है। अनुप्रिया पटेल 2014 में प्रत्याशी थी, लेकिन 2019 में भी वही कैंडिडेट थी और जीत गई थी और गेन भी किया था, 53.34% वोट प्रतिशत इनका रहा। तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर प्रत्याशी को उतारा और रामचरित निषाद को मैदान में उतारा, 32.42% वोट प्रतिशत इनका रहा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा।